बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो अभी नाश्ता करके ऊपर आया था। पहले सबसे पहले तो ये सफाई वगैरह किया कि जुमे का दिन है और जुमे वाले दिन ये मैं काम लाजमी करता हूँ, आगे पीछे तो बहुत कम ही करता हूँ। ऊपर आके वैसे ही बैठा था, मैंने कहा चलो बादल हो रहे हैं शायद मौसम अच्छा होगा, मज़ा आएगा ऊपर बैठने का, लेकिन हबस बहुत ज़्यादा है इसलिए अब दिल नहीं कर रहा है। पसीना भी काफ़ी आ रहा है तो अभी नीचे जाना पड़ेगा, कोई पंखे के नीचे जाके बैठते हैं। ये देखें बारिश भी हो रही है और साथ धूप भी निकली हुई है। ये देखें क्या सूरत हाल है। ये तो मैं अभी ऊपर आया हूँ तो पता चला है कि बारिश भी हो रही है और साथ धूप भी है। सुना है जब ऐसे हो तो गिद्दड़ और गिदड़ी की शादी होती है, तो पता नहीं वाकई में होती है या बातें बनी हुई हैं। तो हबस काफ़ी हो रही है जब ऐसा मौसम हो जाए ना, तो बारिश भी हो धूप भी हो तो हबस होती है, ये आप देख रहे होंगे। तो अभी भी तो मैं अभी सिर्फ ऊपर इसीलिए आया था कमरे से निकल के, क्योंकि मैं उस वक्त का वीडियो अपलोडिंग में ही लगा हुआ था। तो अभी ऊपर आया था कपड़े लेने के लिए, कपड़े इसी करने थे अभी बस सर, अब सिर्फ कपड़े इसी करते हैं तो जुमे की तैयारी करते हैं। ये वगैरह तो मैंने सुबह तैयारी कर ली थी, बस अब कपड़े इसी करके नहाना है और तैयारी करनी है वो कर। सबसे पहले तो कपड़ों को पानी लगाना है क्योंकि कपड़े काटन के हैं। तो ये पानी की बोतल है, ढक्कन मैंने इसको उतारा है क्योंकि ये शावर लगाएंगे। के कॉलर पे ये जब बाल बड़े होते थे ना तो तेल ज़्यादा लगा होता था, तो उसकी वजह से वो तेल था वो कॉलर को काफ़ी लगा हुआ था, तो वो इतनी जल्दी उतरता नहीं है, उसकी वजह से वाइट सूट रहा है इसीलिए ख़राब हो रहा था कॉलर, इसका ही ख़राब हुआ है बाकी तो ठीक है। तो वो जब बार बार धोया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बस अभी पानी लगाया है इसको, तो 2 मिनट के लिए रखते हैं, इतनी देर में हम इस्त्री लगाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस्त्री के पास जब खड़ा होता है तो फिर वो इसका जो सेक निकलता है वो उससे गर्मी काफ़ी लगती है, तो बहुत मुश्किल होता है गर्मियों में कपड़े इस्त्री करना, तो करने तो पड़ते हैं तो खुद ही करने हैं। राबन लेके आना है ऊपर से और सामान भी रहता है मेरा, अकेले कपड़े उठा के लेके आया हूँ तो बाकी सामान अभी ऊपर ही है तो वो लेके आते हैं। बस अब जुमे की तैयारी करते हैं जल्दी जल्दी से, क्यों टाइम बहुत कम है और 2 बजे जुमे है, अभी तकरीबन 1 बजे है, 1 घंटे में फुल तैयारी करनी है। कैमरे का रिज़ल्ट में कुछ फ़र्क आया होगा, मोबाइल वही है बस कैमरा जो हुआ था ना ये अपडेट हुआ है, खुद ब खुद ही हुआ है। सुबह उठा था तो ऑटोमेटिक अपडेट पर लगा हुआ था क्यों नया वर्जन आया है, तो इसमें काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकला है, मज़ा आ रहा है। मैंने भी अभी गौर किया है इस पर तो काफ़ी फ़र्क आ रहा है। हमारी तैयारी हो चुकी है, अभी सिर्फ थोड़ा सा टाइम पड़ा है जुमे को, मुझे तैयार होने में तकरीबन आधा पौना घंटा ही लगा है। तो अभी बस चलते हैं, जुमा पढ़ते हैं और मेरी तरफ़ से सब दोस्त जो मेरे बहन भाई देखने वाले हैं उनको जुमे का दिन मुबारक हो।
जब तक हमारा जुमा होगा उस वक्त तक खाना भी तैयार हो जाएगा, फिर हम खाना भी खाएंगे वापसी पे आके। तो अभी बस चलते हैं। ये बारिश भी दोबारा शुरू हो चुकी है। खाने वाल कह रही थी बदल होए, खाने वाल कह रही थी बदल होए, पता नहीं बारिश हुई कि नहीं। हाँ जी, घर का पता नहीं साढ़े घर गया कि नहीं, ओदा गया सी उधर। हाँ जी, नावे तेरी मम्मा मारेगी, मम्मा कह रही जो नहाएगा उसकी पिटाई होगी। आज सुबह से नींद ही नहीं पूरी हो रही है, तो अभी तकरीबन जुमे के बाद सोया था, असर के वक़्त उठा हूँ, तो अभी भी मगरब को तकरीबन 15-20 मिनट रहते हैं। तो मैंने अभी लैपटॉप खोल के देखा था, तो एक कमेंट आया हुआ था वीडियो पे जो मैंने आज सेंड किया, उसी पे एक कमेंट आया हुआ था, नाम नहीं मेरे देन में अभी, तो आप देख सकते हैं जो मेरी पिछली वीडियो अभी इससे जो पिछली वीडियो है, तो उस पे कमेंट आया हुआ था वो भाईजान, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे कमेंट किया, अपनी राय का इजहार किया, बताया कुछ, तो उन्हीं का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने तो एक पहले तो वीडियो का जो था उसकी तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया उनका जो उन्होंने वीडियो को अच्छा समझा। तो एक उन्होंने एक बात और की है कि जो कंटेंट है, जो हमारी वीडियो है, इसमें थोड़ी सी और तरक्की करें, कुछ और तब्दीली लाएं। तो भाईजान मेरा भी यही ख्याल है, क्यों अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक ऐसी वीडियो चल रही है। तो जब मोनेटाइज होगा फिर उसके बाद जो जहन है मेरा वो यही है, यहाँ तक नहीं रहना है, इसको और आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा जहन यही है, इसमें तरक्की करेंगे आगे तक, जहाँ तक हुआ मुझसे वो मैं करूँगा। मेरे देह में बहुत कुछ है इसी चैनल पर जो इसको हम ले कर जाएंगे आगे, इसको इधर यहीं तक नहीं रखना है। तो बस अल्लाह हमें कामयाब करे। तो फिर क्यों अभी तक मोनेटाइज नहीं है, जब मोनेटाइज होगा फिर बंदे का जहन और आएगा इस तरफ, क्यों अभी तो जहन में यही है कि पता नहीं मोनेटाइज हो या ना हो। कंटेंट तो मेरा अपना खुद का ही डाल रहा हूँ, तो फिर भी एक जहन में हर न्यू क्रिएटर है जो उसके जहन में होता है कि पता नहीं आगे जाके ये मोनेटाइज हो या ना हो। तो मेरे दिन में भी कुछ ऐसा चलता रहता है, तो जब तक नहीं होगा उस वक़्त तक ये सवाल जहन में खुद ब खुद आते रहेंगे। तो इसी वजह से जब ये मोनेटाइज होगा तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर तब्दीली मिलेगी, ये मेरा आप दोस्तों के साथ वादा है। वैसे भी आप दोस्तों ने देखा होगा जो सबसे मेरी पहली वीडियो है वो भी देखी होगी, लेकिन अब तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है, क्यों वो मेरी लॉकडाउन के हवाले से थी, तो वो लॉकडाउन पे वीडियो बनाई थी मैंने, पहली वीडियो थी मेरी और चैनल मैंने लॉकडाउन के शुरू में ही क्रिएट किया था, वो बस मैंने लॉकडाउन तक ही रखी। जब लॉकडाउन का ये सिलसिला ख़त्म हुआ तो मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा, तो वैसे मेरे पास पड़ी है, अगर कोई दोस्त चाहे उसको देखना चाहे तो मैं उसको दोबारा अपलोड कर सकता हूँ, वैसे पड़ी है लैपटॉप में। तो उसी में आपने देखा होगा कि मेरा क्यों नया नया था उस वक़्त, वीडियो नई नई बना रहा था तो कैमरे के सामने फोकस करना अपने आप को बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने उसमें किया, एक कमरे में बंद होके किया, जैसे भी किया ज़रूर है। तो बस उसके बाद जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस भी जो ठीक होता जा रहा है,
और वीडियो में कुछ बेहतरी आती जा रही है, तो इंशाल्लाह खैर करेगा, आगे और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जो न्यू क्रिएटर होते हैं उनको हौसला अफजाई देने वाले आप दोस्त ही होते हैं, हौसला देंगे तो आगे जाएंगे, वगरना कुछ दोस्त जो हौसला ना मिले, कुछ आगे से रिस्पॉन्स ना मिले तो वो यहीं ठप हो जाते हैं। लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ, इस चैनल को मैं आगे तक लेके जाऊंगा, अब दोस्तों की हौसला अफजाई साथ रहेगी तो मज़ा और आएगा, तो इंशाल्लाह। अभी सिर्फ खाना खाया है, रात का ईशा का टाइम हो चुका है, तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।